हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर काफी सारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। अब ये एग्रीगेट फंक्शंस क्या है उनको देखेंगे हम। ये देखिए एक क्वेरी मैंने बनाई है जिसके मदद से यहाँ टोटल मैंने कैलकुलेट किया है, देख सकते हैं। और इस क्वेरी को नाम दिया है प्रोडक्ट व्यू। तो अब एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कर्सर को यहाँ पे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो टोटल दिया गया है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो आ जाती है, ठीक है। अब इस विंडो का फायदा क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये काउंट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर आकर के, और ये देखिए यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ काउंट लगाएंगे तो ये देखिए बता रहा है गिन करके कि ये 10 जो है यहाँ पे रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, ये आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आएंगे तो ये जो है सम का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो देखेंगे कि ये सबको सम करके देगा। देखिए यहाँ पे सम लगाया और सम लगाते ही ये सबको जोड़ करके दे दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट कितने यहाँ पे हैं उसको भी सम कर सकता है ये। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, खाली यहाँ से चूज करना है सम, ठीक है, सम कर दिया इसने, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए टोटल का एवरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ से जाइए और यहाँ से आप एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखेंगे तो एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी टोटल करना है यानी सम करना है तो आप यहाँ से जाके ये सब कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो देखिए यहाँ पे सम भी होता चल रहा है, तो सब कुछ होता चल रहा है इस तरीके से, देख सकते हैं ना। तो ये बड़ा आसान है और एक्सेस के अंदर इसे एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, और किसी भी डेटाबेस के अंदर एग्रीगेट फंक्शन आप लगा सकते हो, ठीक है, चाहे वो MySQL हो, चाहे Oracle हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो, ठीक है। इसे एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं एक्सेस का, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।